स्पोर्ट्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। सम्मिलित राज्य प्रवर जो अधीनस्थ है यानी अपर जो पीसीएस जो होती है उसकी 2022 का जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। चलिए आज हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज और पद वाइज हम देख लेते हैं क्या रहा है। देखिए सबसे पहले हम देखें सामान्य ग्रुप यानी जो एग्जीक्यूटिव जो ग्रुप होता है उसकी बात करें तो इसमें अनारक्षित की जो है वो 111 प्राप्तांक गई है, जबकि एससी की हम बात करें तो एससी के आपका 99 गई है, जबकि जनजाति यानी एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो मात्र 91 आपकी गई है। लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों की 114 गई है, ठीक है, यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है इन दोनों की जो सामान्य वर्ग है उससे ज़्यादा गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के डीएफएफ हैं उनका 109 गई है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव की दे रखी हैं जैसे आपका जो पीडी जो एचएच है उसकी 91 है और एक्स जो आर्मी है उनकी 93 है, ठीक है। हाँ यहाँ मैंने आपका महिला वर्ग की वो है आपकी 109 गई है और उत्तर प्रदेश के जो कुशल खिलाड़ी हैं उनकी 84 गई है। ये सारे प्राप्तांक है और ये एग्जीक्यूटिव की है। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में ये जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे आई है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो एग्ज़ाम आप दें तो आपके पास भले नंबर मतलब क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करें लेकिन उसमें गलत नहीं होने चाहिए, उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब देखिए वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट की हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग में 118 गई है, जबकि एससी में जो है वो 103 गई है। जबकि इसी को हम देखें ओबीसी की हम देखें तो ओबीसी और महिला है ना, ओबीसी और महिला दोनों की 117 गई है। अब एक और पोस्टिंग व्यवस्थापक और व्यवस्था अधिकारी की, ठीक है, तो इसमें जो अनारक्षित वर्ग की जो है वो आपकी 81 है, मतलब काफ़ी नीचे आ गई है इस पोस्ट को लेकर के, और एससी में तो ये 70 पे प्राप्तांक पे आ गई है, ठीक है, और ओबीसी में भी ये 80 है, यानी सभी वर्ग में ये जो प्राप्तांक हैं और जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे आ गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82 है। एक्स आर्मी की से पोस्ट नहीं थी। महिला की हम देखें तो अनारक्षित है ना वो 80 है और एससी एसटी की आपकी 72 है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी की हम बात कर लेते हैं तो जो एसटी है उसकी 71 है और ओबीसी है उसकी आपकी 117 है, क्योंकि सामान्य वर्ग और एससी की इसमें नहीं थी, ठीक है, इसीलिए इसमें कट ऑफ नहीं शो कर रहा है, और जो महिला वर्ग की है उसकी 114 गई है। अब प्राविधिक जो सहायक है भूभौतिकी की जो कुछ पोस्ट थी अनारक्षित वर्ग में थी 110 और ओबीसी की जो है आपकी 108 है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताई और ये आयोग के द्वारा जारी की गई हैं, अब आपको देखना है कि ये जो मार्किंग है ये जो प्राप्तांक है वो किस लेवल पे गए हैं। तो आप लगातार टेस्ट सीरीज दीजिएगा, ध्यान रखना टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो आप पर गलतियाँ कम होंगी और एक जो प्रवृत्ति होती है गलत और तुक्का लगाने की उस पर बहुत कंट्रोल होगा, तो इस बात को आप समझेंगे अच्छी तरह समझेंगे अच्छी टेस्ट सीरीज लगाएंगे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और इसको एक मापन मानते हुए इसी के आसपास थोड़ा आप तैयारी करिए। लेकिन अगर आप आगे यूपीपीएससी 2024 का अगर आप करने जा रहे हैं तो इस साल की जो मार्किंग है वो 95 प्लस ही रही होगी, यहाँ तक अंदाज़ा भी जब आएगी तो फाइनल तो बताएंगे, लेकिन अब जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो सीधा सीधा है कि आपके जो प्रश्न हैं काट पीट के सही आपके 100 प्लस ही होने चाहिए, तभी आप अपने आप को सेफ जोन में मानेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।